है गाइस, संजू राय ब्लॉग्स पे आपका स्वागत है। आगे एक और नए ब्लॉग के साथ आज हम लोग है यहाँ पर नारायण घाट, और यहाँ पर है सोमो। क्या कर रहा है भाई? मैं अभी नहा कर आया हूँ बाथरूम से, सॉरी पूल में नहा के आया हूँ। और यहाँ बाकी लोग वहाँ हमारा भाई वसीम, फेमस बॉय। और यहाँ पर है राजा। और इस आपको मैं अपना रूम का टूर देता हूँ। अच्छा, रूम का नहीं, सॉरी, पहले यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। जबरदस्त है भाई, ये है अपना आज का व्यू। ओ भाई, यहां से देखो यार, व्यू जबरदस्त। व्यू दिख रहा है ना, यहाँ पहाड़ है, पीछे में उससे भी बड़ा पहाड़ है। इधर पूरा शहर बसा हुआ है इस साइड से, इधर पे पूरा रोड है, और मतलब काफी अच्छा है। यहाँ खड़ा होके मस्त देखो विंडो से व्यू। और यार पीछे में ना एयरपोर्ट है, यहाँ से ना फ्लाइट उड़ते रहता है, एरोप्लेन आना जाना करते रहता है। सुबह से बहुत सारा देखा हूँ। और यहाँ पर लोग अभी सब मौज मस्ती कर रहे हैं। तो नहा के आ गया है, पर मेरे को ना नहाने जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ पूल पे ही चले जाता हूँ नहाने, फिर मजा आएगा। जैसे भी उसके बाद और जो भी करना है करेंगे, फिलहाल देख लेते हैं यार। अभी हम लोग जा रहे हैं पूल पे नहाने, तो रेडी है ब्रो? रैक नंबर एक नंबर भाई, अभी नहाते हैं, मन नहीं भरा अभी ना चले जा रहे हैं लिफ्ट। अभी हम लोग का जो पूल है एकदम मतलब टॉप फ्लोर पे है, तो आ गया लिफ्ट, आ गया भाई। चलो चलो नंबर 5 फ्लोर पे है। हाँ। बॉडी तो मस्त बनाया लौंडे ने जी। तो आ गया, आ गया जुड़ा, तो अपना पूल एरिया आ गया शायद। इधर से व्यूज देखो यार, ये आ गया अपना पूल एरिया। तो गाइस आ गया, ये अपना पूल, इधर का एरिया मजा आ जाएगा अब तो पूल में नहाने के लिए। फिलहाल तो बैठते हैं। और भाई अभी मैं पूरा एकदम रेडी हूँ पूल पे नहाने के लिए। वहाँ पर थोड़ा नहाने शावर का मज़ा लेने खुले में, और इस पूल पे से नहाने का बहुत मज़ा आएगा। और सबसे अच्छा देखो यहाँ पर, देखो भाई पूल का एरिया देखो, इस साइड से पूरा, इधर से, और यहाँ पर सुतानू, और इस एरिया को देखो यार। नहाने के लिए एकदम रेडी हो, यहाँ अपना पूल है, और पीछे का बैकग्राउंड देखो भाई, दिल खुश हो गया। देखो इस साइड से एरिया, इधर से पूरा का पूरा एरिया, मतलब क्या बोले, काबिले तारीफ यार, ज़बरदस्त। ये तो नहाते ही जा रहे हैं, नहाते ही जा रहे हैं। फिलहाल तो मैं भी नहाने के लिए तैयार हो गया। चलो पूल पे उतरने के लिए रेडी हो एकदम। यहाँ से व्यू भी देखो और पूल भी देखो, ओ शिट, इधर से देखो भाई। तो भाई हम लोग फाइनली पूल पे आ गया है, और सबसे अच्छा बात यह है कि मेरे को इस व्यू का मजा लेना है, जबरदस्त है यार पूल के साथ ये व्यू ना, मतलब क्या ही बोले, अलग ही व्यू है। आप देख सकते हैं व्यू का, इधर किचन ले नज़ारा, यहाँ का नज़ारा जितना भी देखो यार उतना कम है, मतलब क्या बोले भाई। फिलहाल तो थोड़ा नहा लेते हैं पूल में, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस पूल में नहाने का तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, और व्यू यार, ये व्यू देखने के बाद और क्या ही बोले यार। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ का व्यू का, जो कि बिल्कुल ही अलग नज़ारा है, एकदम ही अलग नज़ारा है। बस तो चलो यार नहा लेते हैं फटाफट, फिर चलेंगे। काफ़ी देर से नहा रहा हूँ, मज़ा ही आ रहा है। ओवरऑल मैं अकेला हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त है सुतानू, और वो भी अभी हम दोनों ही मिलकर और थोड़ा नहाएंगे। और व्यूज तो भाई क्या ही बोले। तो गाइज यहाँ पर अभी आ गया थोड़ा सा धूप, और
भाई नजारा, भाई नजारा, हो यो काफ़ी मज़ा किया इस पुल पे। और सबसे यहाँ का जो मेरे को ख़ास बात लगता है यार, पुल तो सही है बट यहाँ का जो व्यू है भाई, एक अलग ही नज़ारा। देखो एक तो पीछे में पूरा चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ है, बहुत सुंदर पहाड़ है, ऐसा वैसा नहीं। और साथ में पूरा शहर बसा हुआ है, पूरा दिख रहा है अपने आपके आँखों में। यहाँ से रोड है, बगल में एयरपोर्ट है, फ्लाइट उड़ता है, और इस साइड से तो भाई अलग ही नज़ारा है। फिर यहाँ पर पुल में ना एक अलग ही मज़ा है। अगर मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत लकी हूँ कि मैं हर एक जगह अपने मन का कर पाता हूँ, और ऐसे ऐसे जगह में, ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब कहीं भी गया और ऐसे ही, मतलब बहुत अच्छा है यार, लिटरली बहुत अच्छा है। ये व्यू देखने में ना जो मज़ा है ना भाई, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मेरे जगह आप रहते तो शायद समझ में आता। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ओवरऑल इस जगह पे नहा के, मतलब पूल में तो काफ़ी ज़्यादा मस्ती किया और साथ ही इस जगह में भी। जैसे भी अब बहुत नहा लिया यार, अब चलते हैं रूम पे। बाकी यार मिस ज़रूर करूँगा इस जगह को, वापस कभी भी आएंगे तो ज़रूर आएंगे इस जगह पे, ज़बरदस्त है। तो गाइस फाइनली नहा तो लिया हूँ, अब चलते हैं सीधा नीचे की ओर। जैसा भी था बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था पूल का। और सुतानु, सुतानु चलते हैं भाई, तो मजा आया भाई, तो चलते हैं अब रूम पे। भी लग रहा है पूल को किस जगह पे यार, पूल के ना उस साइड से सीधा नीचे है, पूरा नीचे एकदम टॉप फ्लोर पे बना हुआ है। और फिर से वापस से अगेन सेम व्यू, मज़ेदार। तो चलते हैं अब रूम पे। और यहाँ से थोड़ा सा मेरे को अब ना बहुत तेज़ भूख लग गया, पहले तो रूम पे जाता हूँ उसके बाद यहाँ से जाऊँगा यार। लिफ्ट किधर है भाई, इधर ही है क्या लिफ्ट? फाइनली नहा तो लिया हूँ, फटाफट से रेडी हो जाता हूँ, सब यहीं पर है। तो बस यार चलते हैं। तो गाइज अभी तो मेरे को बहुत तेज लग रहा है भूख, तो जा रहा हूँ, मेरे पास शुभम भी आ गया है यहाँ पर, तो चलते हैं यार, भूख लग रहा है काफी तेज, चलते हैं। मस्त है पर दूसरा लोग थोड़ा बाहर साइड आए थे, मतलब ये जगह काफी जबरदस्त है, टूरिस्ट प्लेस है ऐसा लगता है ना। तो यहाँ का रोड है, रोड एरिया भी बहुत अच्छा है, ऊपर में है थोड़ा, हम लोग हाइटेड एरिया में हैं बहुत। तो यहाँ शुभम यार थोड़ा मोटा हो गया लग रहा है, मोटा होता है। मैं पतला बिना सोके, बिना सोके मैं पतला। अबे शुभम का पेट निकल गया भाई, गणेश गणपति बप्पा। तो काफ़ी तेज लग रहा है, तो खाना ऑर्डर करते हैं यहाँ से। खाने के बाद फिर ना बाहर साइड में जाएंगे और मज़ा आएगा। यहाँ का रोड यार क्या ज़बरदस्त है। जैसे भी है, भूख लगा है भाई, बहुत ज़्यादा भूख लगा है। इसको तो ऐसे ही भाई ब्रेकफास्ट किया था, 7000 का ब्रेकफास्ट किया है आज। तो हम नहीं किए भाई, ये किया था ये लोग, 4 जन 5 जन मिल के 7000 का ब्रेकफास्ट किया। समझ रहे हो क्या? हाँ, चार कहाँ तुम लोग, चार गए थे, समझ रहे हो। ये देखो एक स्ट्रीट डॉग है, बट आपको लगेगा नहीं कि ये स्ट्रीट डॉग है। पीना हो गया है चालू। असीम कैसा लग रहा है? मस्त दिया ना खाना, एक मस्त वाला वाइब है खाने में। सारा खाना यहाँ पर, तो खाना को एंजॉय करते हैं फिलहाल, तो खाना खा लेते हैं फटाफट से और उसके बाद चलेंगे। देख लो ये अपना खाना है यहाँ पर, तो खा लेते यार। फिश करी लगता तो अच्छा बनाया है यहाँ पर, देख सकते हो भाई साहब। खाना खा लो भैया, इधर खाना खा लो। बस इसका एडिटिंग कैसे लग रहा है? बाकी पूरा अच्छा है। शुभम आया भाई, अच्छा लग रहा है। लंच कंप्लीट हो गया और मज़ा आ गया बिल्कुल, मस्त बना था यहाँ का खाना। और यहाँ का रोड जो यार, इस वे में काठमांडू है इधर, और हम लोग रुके इस जगह पे। इसे देखो यार ये लोग जा रहे हैं। और सुतानु मज़ा आ गया ना?
बस अब थोड़ा सा बाहर निकले थे यहाँ पर। क्या मस्त रोड है भाई, यहाँ का मतलब वाइब भी बिल्कुल ही अलग है। यहाँ का रोड एरिया ज़बरदस्त है। और सब दोस्त लोग हैं, अभी मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना है, रूम पे चलता हूँ, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को देखते हैं, मज़ा आएगा। इधर का एरिया देखो होटल से, ओ भाई ज़बरदस्त है इस साइड का। और वहाँ पर ये दोनों खड़ा है लिफ्ट के लिए, तो गाइस ये आ गया लिफ्ट, चला जा। अभी थोड़ा सा बस मेरे को रेस्ट करना है, फोन में भी चार्ज नहीं बिल्कुल, थोड़ा सा चार्ज दे देते हैं फिर आराम से। ये हमारा मोबाइल मेरे पास है, आपका मोबाइल मैं लेके आया हूँ, वहाँ पर था रख के टेबल पर होटल में। यहाँ पर अपना रूम टेबल पर, चलो जाना नहीं है, मतलब नहीं है अच्छी नहीं तो। तो फाइनली रूम पे आ गया, थोड़ा सा रेस्ट कर, थोड़ा सोया हुआ था तो सो के फिलहाल तो उठ गया हूँ मस्त। अभी थोड़ा नीचे की ओर जाऊँगा, मस्त डेकोरेशन है, मस्त जो है, और भूख तो फिलहाल लग नहीं रहा है। और अभी नाइट में कैसे दिखता होगा यहाँ से एक बार दिखाता हूँ भाई, नाइट में ऐसा दिखता है। मैंने अपना डिनर कर लिया, थोड़ा बिजी था इसलिए मैं ब्लॉग को नहीं बना पाया, बिल्कुल ही नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा काम भी था। फिलहाल तो मैं अपना रसमलाई को एंजॉय कर रहा हूँ और ऊपर की ओर जा रहा हूँ, मज़ा आएगा, चलते हैं ऊपर। साइड में पूल है पर यहाँ अभी मतलब ना सुबह होने ही वाला है, 4:30-5 हो गया, पर काफ़ी सुंदर दिख रहा है यार ये जगह, सब नहा रहे पूल पे। कह रहे हैं भाई तो ज़बरदस्त लग रहा है। और यहाँ पर दूर में पहाड़ इस एरिया दिख रहा है, और यहाँ पर सब नहा रहे हैं। अभी मिड नाइट मतलब सुबह होने वाला है, 5 बजने वाला है। और इस साइड का एरिया देखो यार, यार अभी नहा लेता है एक्चुअली, बट मेरे को ना अभी नहाने का मन भी कर रहा था, बट क्या करें यार, नहीं नहाएंगे अभी क्योंकि अभी सो के उठाऊँ कैसे नहाऊँगा, और मेरे को कहीं निकलना भी है, थोड़ा यहाँ बॉर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे भी है देखते हैं भाई। ये वाला लाइट को देखो यार कितना खूबसूरत है। और ये है कौसी लॉग, ये एरिया पूरा एरिया काफ़ी सुंदर है ये एरिया भी। ब्लॉग को तो मैं एंड करना भूल ही गया था आज का दिन का, तो आज का दिन पूरा ख़त्म ही हो गया। जैसे भी अगर आपके ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।